जीनियस। इस वर्ड को सुनते ही आप सभी के दिमाग में सर अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तो आया ही होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि मानव इतिहास के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे और जिन्होंने 20वीं सदी तक विश्व विज्ञान जगत पर राज किया था। उन्होंने अपनी खोजों के आधार पर अंतरिक्ष, समय और गुरुत्वाकर्षण जैसे कई सिद्धांत दिए, पर हमेशा से वो इतने बुद्धिमान नहीं थे। बचपन से ही पढ़ाई में कमजोर होने के कारण आइंस्टीन को मंद बुद्धि भी कहा जाने लगा था। है ना ये कितनी हैरान कर देने वाली बात। इसके बावजूद भी उनका दिमाग दूसरों के मुकाबले इतना पावरफुल कैसे था? तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आइंस्टीन की कुछ ऐसे हैबिट्स को जानेंगे जिन्हें फॉलो करके आप भी अपने दिमाग को औरों से बेहतर बना सकते हो। उनकी आदतों को जानने से पहले आप आइंस्टीन की स्टोरी के बारे में जान लो कि आखिर वो कैसे इतने महान साइंटिस्ट बने। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हर्मन आइंस्टीन और माता का नाम पॉलिन आइंस्टीन था। उनके पैदा होने के बाद डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि उनका सर किसी भी सामान्य बच्चे से आकार में काफी बड़ा था और वो एक एबनॉर्मल बच्चे के रूप में जन्मे थे। कोई भी आम बच्चा 1 से 2 साल की उम्र तक बोलना सीख जाता है, पर अल्बर्ट आइंस्टीन को शुरू से ही बोलने में कठिनाई होती थी और करीब 4 साल की उम्र तक वो कुछ भी नहीं बोल पाए। मगर फिर एक दिन जब वो अपने परिवार के साथ डिनर कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी 4 साल की चुप्पी तोड़ते हुए पहली बार बोला, सूप इज टू हॉट। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन हमेशा ये कहते थे कि मुझमें कोई खास बात नहीं, मैं तो बस आप सभी की तरह एक आम इंसान हूँ जिसमें जिज्ञासा कूट कूट कर भरी हुई है। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि उन्हें स्कूल एक जेल की तरह लगता था, क्योंकि उनके हिसाब से टीचर्स समझाने से ज्यादा किताबें रटना सिखाते थे और अध्यापकों से बार बार ऊटपटांग सवाल पूछने के कारण उन्हें मंद बुद्धि भी कहा जाने लगा था। ये बात आइंस्टीन के दिमाग में घर कर चुकी थी और उन्होंने अपने अध्यापक से पूछा कि वो अपने दिमाग को आखिर किस तरह से विकसित कर सकते हैं। तो उनके सर ने सिर्फ एक लाइन कही थी, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। और इस बात को सुनकर आइंस्टीन ने उस ही दिन ये निर्णय ले लिया था कि वो पूरी दुनिया से आगे बढ़कर दिखाएंगे, और उस दिन के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ने की चाह हमेशा उन पर हावी रही और इसी वजह से वो दुनिया के महान साइंटिस्टों में से एक बने। अब हम अल्बर्ट आइंस्टीन की उन आदतों के बारे में जानेंगे जिन्हें जानकर आप भी अपने ब्रेन पावर को बढ़ा सकते हो। नंबर एक, दोस्तों आपने ये तो सुना ही होगा कि ज्यादातर सक्सेसफुल लोग 5 से 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोते हैं, और 20वीं सदी में तो बहुत से ऐसे साइंटिस्ट भी थे जो मुश्किल से दिन में 2 घंटे से ज्यादा नहीं सो पाते थे। पर क्या आपको पता है कि आइंस्टीन ऐसे बिल्कुल नहीं थे। वो दिन में 10 घंटे सोते और इसके अलावा भी उन्हें सोना इतना पसंद था कि जब उन्हें फ्री टाइम मिलता वो सो जाते थे। उनको ज्यादा सोने के चलते कुछ खास एडवांटेज मिलती थी। पहला तो माइंड को प्रॉपर रेस्ट मिलता था और दूसरा कि वो ज्यादा गहराई से किसी भी चीज के बारे में सोच पाते थे। और उनकी ग्रेटेस्ट डिस्कवरी में से एक द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था, उसका आइडिया भी उन्हें सोते वक्त सपने में आया था। तो आपको भी हमेशा प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए ताकि आपका ब्रेन भी एक्टिव रहे। नंबर दो, उनकी दूसरी आदत ये थी कि वो डेली वॉक पर जाया करते थे। इसके पीछे कारण ये था कि वॉक पर जाने से हमारा ब्रेन फ्री रहता है, जिससे कि नए नए और इनोवेटिव आइडिया भी दिमाग में आते रहते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि उन्हें पैदल चलना इतना पसंद था कि वो रोजाना घर से प्रिंसटन यूनिवर्सिटी तक पैदल चलकर जाया करते थे। ये चीज साइंटिफिकली भी प्रूफ हो चुकी है कि अगर आप दिन में थोड़े टाइम वॉक पर जाते हो तो आपका ब्रेन ज्यादा एक्टिवली वर्क करता है। नंबर तीन, उनकी तीसरी आदत ये थी कि उन्हें हाउस ऑफ कार्ड्स, मतलब कि ताश के पत्तों से घर बनाना बहुत अच्छा लगता था। अभी आप सोच रहे होंगे कि इस चीज का ब्रेन के पावर से क्या कनेक्शन है, तो मैं बता दूं कि आप जब इसको बनाने की कोशिश करते हो तो इसमें आपका बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस लगता है, और अगर एक भी पत्ता गिर जाए तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है और आपको दोबारा ताश के पत्तों का घर बनाना पड़ेगा, और ये काम करते करते आप बहुत परेशान हो जाओगे। लेकिन दोस्तों, इस काम को करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर और आपका पेशेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये एक बहुत ही मजेदार टेक्निक थी जिससे आइंस्टीन ने यूज किया और अपने दिमाग को और उससे ज्यादा बेहतर बनाया था। नंबर चार, क्या आपको पता है कि आइंस्टीन अपने डेली रूटीन को अपनी आदत बना लेते थे? मतलब कि आपने जब पहली बार साइकिल को चलाना सीखा था तो आपने बहुत ध्यान से उस साइकिल को चलाया होगा, और आपको हर बार ये ध्यान में रखना पड़ता होगा कि साइकिल के हैंडल को किस तरफ मोड़ना है जब टर्न आए। पर जैसे जैसे आप साइकिल को चलाते गए, वैसे वैसे वो आपकी आदत बन गई। उसी तरह आइंस्टीन अपने हर काम को आदत बना लेते थे
जिससे कि उनका काम भी हो जाता था और उन्हें पता भी नहीं चलता था। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपनी पढ़ाई को आदत बना लो और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि पढ़ाई कब खत्म हो गई। नंबर 5, क्या आप जानते हो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को वायलिन बजाना इतना पसंद था कि वो घंटों तक वायलिन बजाया करते थे, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। जब वो छोटे थे तब आइंस्टाइन की मॉम ने उन्हें एक वायलिन गिफ्ट दिया था, पर आइंस्टाइन को उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। लेकिन अल्बर्ट ने सोचा कि मुझे अपने माइंड को चेंज करना चाहिए, तो फिर उन्होंने एक वायलिन प्ले सुना और वो उन्हें इतना ज्यादा पसंद आया कि आइंस्टाइन ने तुरंत वायलिन बजाना सीखा। इस बात से उनकी ये क्वालिटी का पता चलता है कि वो अपने माइंड से किसी भी चीज की नेगेटिविटी को आसानी से निकाल सकते थे। और आइंस्टाइन के हिसाब से किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सीखना आपके ब्रेन के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज और ट्रेनिंग होती है, और इससे नई नई चीजें सीखने और जानने को मिलती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार ये बोला था कि उनको लाइफ में सबसे ज्यादा खुशी वायलिन को बजाने से मिलती है। तो आपको अपने डेली लाइफ में कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना जरूर सीखना चाहिए, ताकि आपके ब्रेन की लर्निंग कैपेसिटी और पावर बढ़ सके। तो दोस्तों, ये थी अल्बर्ट आइंस्टाइन के कुछ हैबिट्स, जिन्हें फॉलो करके आप दूसरों से ज्यादा स्मार्ट बन सकते हैं और अपनी मेमोरी को और तेज कर सकते हैं। आज अल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत को 60 साल पूरे हो चुके हैं, पर अभी तक पूरी दुनिया में कोई भी इनके जितना दिमाग वाला और होशियार पैदा नहीं हुआ है।